हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडेक्स नंबर। नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर, इसी को हिंदी में कहते हैं सूचकांक। तो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर वन हमारा पॉइंट है, सूचकांक दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचक व अंक से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अर्थात सूचना देने वाला अंक। सूचना देने वाले अंक को हम सूचकांक कहते हैं। नंबर टू पॉइंट है, सूचकांक का प्रतिपादन काली द्वारा किया गया। सूचकांक का प्रतिपादन काली द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सूचकांक का निर्माण किसी न किसी एक वर्ष किसी न किसी एक वर्ष को आधार मानकर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचकांक का मापन गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा करने पर सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हमने इंडेक्स नंबर के से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे। फर्स्ट है आपका सूचकांक, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सूचक और अंक, जिसका मतलब होता है सूचना देने वाला अंक। इसी तरीके सूचकांक का प्रतिपादन कार्ली द्वारा किया गया, और सूचकांक का निर्माण किसी न किसी एक वर्ष को आधार मानकर किया जाता है, और सूचकांक का मापन सर्वश्रेष्ठ गुणोत्तर माध्य के द्वारा माना जाता है। मूल्य सूचकांक देख लेते हैं। मूल्य सूचकांक P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पे P1 इक्वल टू चालू वर्ष का मूल्य, P0 इक्वल टू आधार वर्ष का मूल्य। तो हमारे पास मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला होता है, मूल्य सूचकांक P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पे P1 हमारा चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा एंड P0 आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा। तो मूल्य सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम मूल्य सूचकांक निकालेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी एक वस्तु की 2011 में कीमत
₹40 है वह 2016 में उनकी मूल्य ₹160 हो जाती है। तो वर्ष 2011 को तो वर्ष 2011 के आधार पर वर्ष 2016 की कीमत सूचकांक या मूल्य सूचकांक हमें निकालना है। तो हमें 2011 में कीमत दे रखी है ₹40, 2016 में उसकी मूल्य ₹160 हो जाती है। तो हमें वर्ष 2011 को आधार मानना है। 2011 हमारे क्या आधार वर्ष है और 2016 की हमें कीमत सूचकांक या मूल्य सूचकांक निकालना है। तो कीमत सूचकांक का फॉर्मूला होता है हमारा P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पर P1 हमारा होता है चालू वर्ष का मूल्य। तो यहाँ पर हमारा चालू वर्ष क्या है 2016 है, तो जो 2016 में मूल्य हमारे पास ₹160 था और P0 हमारा आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष हमें किसे मांगना है 2011 को आधार वर्ष मानना है। तो 2011 में कीमत कितनी थी ₹40 अपॉन 40 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ₹400 ये मिल गए। तो हमारे पास कीमत सूचकांक क्या मिल गया 400। इसी तरीके से सूचकांक मेथड देख लेते हैं, सूचकांक विधियां। फर्स्ट है प्लेस पेयर सूचकांक विधि। सूचकांक विधि में फर्स्ट है हमारे पास लेस्पियर सूचकांक विधि। लेस्पियर सूचकांक विधि का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेस्पियर सूचकांक L इक्वल टू समेशन P0 P1 Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। ये हमारे पास लेस्पियर सूचकांक होता है। लेस्पियर सूचकांक L इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये हमारे पास लेस्पियर सूचकांक हो गया। यहाँ पे हम आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानते हैं। लेस्पियर सूचकांक विधि में आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानते हैं। तो सूचकांक विधि में फर्स्ट है हमारे पास लेस्पियर सूचकांक विधि। लेस्पियर सूचकांक का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100, जहाँ पे हमें इस लेस्पियर सूचकांक विधि में आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है पासे सूचकांक विधि। पासे सूचकांक विधि का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये हमारे पास पासे सूचकांक विधि है। इसमें चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। फर्स्ट हमारे पास था लेस्पियर, सेकेंड है हमारे पास पासे सूचकांक विधि, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट है बाउले सूचकांक विधि। बाउले सूचकांक विधि का फॉर्मूला होता है बाउले सूचकांक बी इक्वल टू L प्लस P अपॉन 2।
तो बाउले सूचकांक विधि के लिए फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू एल प्लस पी अपॉन टू, जहाँ पे एल हमारा लेस पे सूचकांक है और पी हमारा पासे सूचकांक है अपॉन टू। तो हमें लेस पे सूचकांक प्लस पासे सूचकांक का आधा कर देंगे तो हमें बाउले सूचकांक मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है फिशर सूचकांक विधि। फिशर सूचकांक विधि का फॉर्मूला होता है फिशर सूचकांक एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू पी। फिशर सूचकांक इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू पी, स्क्वायर रूट ऑफ लेस पर सूचकांक इंटू पासे सूचकांक का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें फिशर सूचकांक विधि से हम फिशर सूचकांक निकाल सकते हैं। तो अभी हमने सूचकांक विधियां देखी, फर्स्ट हमने लेस पर सूचकांक, दूसरा हमने पासे सूचकांक विधि, तीसरा बाउले सूचकांक विधि एंड चौथा फिशर सूचकांक विधि, ये हमने देखी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कैसे हम लेस पेयर पासे फिशर एंड बाउले सूचकांक निकाल देंगे। हमें क्वेश्चन गिवन है कमोडिटी दे रखी है, हमें सामग्री दे रखी है ए बी सी की, और 2015 में हमें कीमत और मात्रा गिवन है, इसी तरीके 2017 में कीमत और मात्रा गिवन है। तो हमें लेस पेयर पासे बाउले और फिशर सूचकांक निकालना है। तो हमें 2015 में कीमत प्राइस गिवन है 10, 20, 30, इसी तरीके से क्वांटिटी गिवन है क्यू नॉट 5, 3, 2 एंड 2017 में हमें प्राइस गिवन है 20, 30 एंड 10। ये हमें 2017 में कीमत गिवन है, इसी तरीके से मात्रा गिवन है 5, 3 एंड 4। ये हमें 2015 और 2017 के लिए कीमत और मात्रा गिवन है। तो हमें लेस पी और पासे बाउले और फिशर अगर सूचकांक निकालना है तो हमें पी वन इंटू क्यू नॉट, पी नॉट इंटू क्यू नॉट, पी वन इंटू क्यू वन एंड पी नॉट इंटू क्यू वन, इस सारी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी वन क्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हमें पी वन 20, क्यू नॉट 500, पी वन 30 इंटू 3 90, पी वन 10 इंटू 2 20। इस तरीके से पी नॉट क्यू नॉट निकाल लेते हैं, पी नॉट की वैल्यू 10 इंटू 5 50, 60 एंड 60। इसी तरह से पी वन क्यू वन 100, 90, 40। इसी तरह से पी वन पी नॉट क्यू वन, पी नॉट क्यू वन 50, 60, 120। ये हमारे पास पी वन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, पी वन क्यू वन, पी नॉट क्यू वन की ये वैल्यू मिल गई। अब समीशन निकालते हैं, समीशन पी वन क्यू नॉट, समीशन पी नॉट क्यू नॉट, समीशन पी वन क्यू वन एंड समीशन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीशन पी वन क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, 9, 2, 1, 220। ये हमारे पास पी समीशन पी वन क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू निकालते हैं 170। इसी तरीके से समीशन पी वन क्यू वन की वैल्यू निकाल लेते हैं 230। समीशन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू 230। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लेस पेयर सूचकांक निकाल लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लेस पेयर सूचकांक, लेस पेयर सूचकांक एल इक्वल टू समेशन पी वन क्यू नॉट अपॉन समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। समेशन पी वन क्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं 200, 10 अपॉन समेशन पी नॉट क्यू नॉट 170 इंटू 100 इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 123.5
फाइव टू अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। लेस पेयर सूचकांक निकाल लिया हमने एल इक्वल टू 123.52। इसी तरीके से पास है सूचकांक निकाल लेते हैं, पासे सूचकांक P इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। वैल्यूज पुट करते हैं, समेशन P1Q1 की वैल्यू मिली है 230 अपॉन समेशन P0Q1 230 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 100। तो हमने लेस पेयर सूचकांक और पासे सूचकांक निकाल लिया। इसी तरीके से हम बाउली सूचकांक भी निकाल सकते हैं। बाउली सूचकांक में क्या करना है, लेस पेयर सूचकांक प्लस पासे सूचकांक अपॉन 2। इससे हम बाउली सूचकांक निकाल सकते हैं। इसी तरीके फिशर सूचकांक स्क्वायर रूट ऑफ लेस पेयर सूचकांक इंटू पासे सूचकांक से हम फिशर सूचकांक भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने सूचकांक विधि देखी, फर्स्ट हमने लेस पेयर सूचकांक, दूसरा हमने पाउले पासे सूचकांक, तीसरा हमने पाउले एंड फीसर सूचकांक देखा और क्वेश्चन सॉल्व करके हमने लेस पेयर सूचकांक और पासे सूचकांक निकाला। इसी तरीके से हम बाउले सूचकांक और फीसर सूचकांक निकाल सकते हैं। बाउले सूचकांक में हमें क्या करना है, फीसर लेस पेयर सूचकांक प्लस पासे सूचकांक अपॉन 2 से हम बाउले सूचकांक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फीसर सूचकांक हम स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू पी इंटू लेस पेयर सूचकांक इंटू पासे सूचकांक का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें फीसर सूचकांक मिल जाएगा। इसी में नेक्स्ट है सूचकांक परीक्षण। सूचकांक परीक्षण, सूचकांक का हम कैसे परीक्षण करेंगे, इंडेक्स टेस्ट। सूचकांक परीक्षण में हमारा फर्स्ट है समय उत्क्रम्यता परीक्षण। टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो फर्स्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है। इसके लिए फॉर्मूला होता है P0 इंटू P1 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अगर हमें P01 निकालना हो तो हम इसका P10 का रिवर्स कर देंगे तो हमें समय उत्क्रम्यता परीक्षण से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होता है P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। यहीं से हम P01 की वैल्यू निकाल सकते हैं, P01 इक्वल टू 1 अपॉन P10। सेकेंड है तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P01 इंटू Q01 इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0। ये हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है चक्रीय परीक्षण, साइक्लिक टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक टेस्ट, इसके लिए फॉर्मूला होता है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1। ये हमारे पास चक्रीय परीक्षण के लिए फॉर्मूला होता है P01। चक्रीय साइक्लिक देखिए P01, 0 के बाद 1 आ रहा, फिर 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद फिर से 0, वही आपकी साइक्लिक कंप्लीट हो रही। तो ये हमारा चक्रीय परीक्षण के लिए फॉर्मूला होता है, इसे हम तरीके से लिख सकते हैं और P(AB) इंटू P(BC) इंटू P(CA) इक्वल टू 1। चक्रीय परीक्षण का फॉर्मूला ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, सी के बाद फिर से ए आ रहा, तो ये हमारा साइक्लिक टेस्ट हो गया।
तो हमने इंडेक्स टेस्ट में देखा, फर्स्ट हमने देखा टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेकेंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड थर्ड साइक्लिक टेस्ट। तो आज हमारा ये इंडेक्स नंबर पे वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।